रखा है अपने घर में, जो शिवलिंग रखा है उसकी पूजन करो, उसकी आराधना करो। इसके बाद भी अगर दुख ना कट रहा हो तो प्राथमिक केंद्र पर, मतलब अपने घर के नजदीक में जो शिवालय है वहाँ एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 3 महीना इंतजार करो कि हम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर जाकर कहीं मौका मिले तो फिर किसी बड़े शिवालय में जाकर भगवान से प्रार्थना। फिर ब्रह्म नहीं पढ़ना, कोई तुमसे कह दे वहां चले जाओ वहां से भभूति मिल रही है, वह भभूति तुम्हें ठीक कर देगी। कोई तुमसे कह दे वहां चले जाओ वहां से नरियल मिल रहा है, नरियल तुम्हें ठीक कर देगा। कोई तुमसे कहे कि वहां चले जाओ वहां से एक बेल मिलेगी गले में बांध लेना तुम ठीक हो जाओगे। कोई तुमसे कहे तुम वहां चले जाओ वहां जाकर तुम ठीक हो जाओगे, ना ना। पहले अपना, अपने घर में जो शिवलिंग है, अपने पड़ोस में, अपने आसपास में जो शंकर का स्वरूप है उसको भजो। हम शिव महापुराण की कथा में एक बात कहते आए हैं, आज फिर कर रहे हैं। आपको भीड़ बढ़ाने जाने की जरूरत नहीं है। कथा करवाने वाले टेंट लगा लगा के कल भी बहुत टेंट लगाया, आज भी बढ़ाएंगे, टेंट लगा लगा के परेशान हो जाते हैं। आप लोग इतनी संख्या में आ जाते हो कि टेंट वाला पहले ही हाथ ऊंचा कर देता है, हमारे पास बिल्कुल नहीं, हमारे पास है। हमारा तो निवेदन है पहले आप घर में टीवी पर जब कथा है आसन लगा कर सुनो, दिल से बाबा से प्रार्थना करो। जिस दिन बाबा आपकी झोली में खुशियां भर दे उस दिन शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाओ। तो